पंजाब सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से सूबे में बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है और इस योजना को नाम दिया गया है अपनी गड्डी अपना रोजगार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए जाने के एक और चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बाइक टैक्सी शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम का नाम है अपनी गाड़ी अपना रोजगार। इस स्कीम का मुख्य मकसद है स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाना और यात्रियों को उन इलाकों के साथ संपर्क बनाना जहां टैक्सियां नियमित तौर पर पहुंच से बाहर हैं। उबर और ओला ने इस स्कीम में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से इसे अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा और नए मोटरसाइकिल मालिक दोपहिया को बाइक टैक्सी के रूप में चलाने के लिए परमिट और लाइसेंस हासिल कर पाएंगे। ये स्कीम राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे कुछ दूसरे प्रदेशों में पहले ही सफलतापूर्वक चल रही है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में प्रस्तावित अपनी गाड़ी अपना रोजगार स्कीम के अधीन 1,00,000 व्यापारिक LCV और दूसरे वाहन हर एक साल सब्सिडी दरों पर बेरोजगार नौजवानों को मुहैया करवाए जाएंगे। ये वाहन बिना किसी जमानत के सरकारी गारंटी पर मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार का ओला और उबर जैसे प्रमुख टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ समझौता करने का प्रस्ताव है ताकि इस स्कीम को कामयाब बनाया जा सके। इसके अधीन युवाओं को 5 साल में कर्जे का भुगतान करना होगा। इसके अलावा यारी इंटरप्राइजेज और हरा ट्रैक्टर जैसी स्कीमों पर भी सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। हरा ट्रैक्टर स्कीम के अधीन कम से कम 25,000 ट्रैक्टर और कृषि के औजार बेरोजगार नौजवानों को सब्सिडी दरों पर दिए जाएंगे ताकि वो कृषि क्षेत्र में अपने काम शुरू कर पाएं। यारी इंटरप्राइजेज का उद्देश्य छोटे उद्योग शुरू करना है जो 2 या 2 से अधिक लोग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 5,00,000 रुपए के निवेश के लिए 30% सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम के अधीन साल 2017 से 2022 तक हर एक साल 1,00,000 उद्योग शुरू किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।